अब तक हमने चोरी के कई मामले सुने हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम सुना है कि कोई पत्नी अपने ही पति के घर में डाका डाल दे। एक अजीबोगरीब चौंका देने वाला मामला नागपुर से सामने आया है, जहां चोरी में रकम छोटी नहीं बल्कि करीबन 13,60,000 रुपए बताई जा रही है। इस चोरी में 6 लाख रुपए नगद और 7,60,000 रुपए के आभूषण शामिल है। चोरी की ये घटना नागपुर के सदर थाने के गड्डी गोदाम इलाके की है। पहले तो पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले पति का एक्सीडेंट हो गया। इसी बीच उसकी पत्नी का एक पुराना दोस्त उसके संपर्क में आया। आरोपी महिला ने अपने इस दोस्त के साथ मिलकर ही अपने ही घर में चोरी करने की योजना बनाई। आरोपी पत्नी शिवानी यादव ने सबसे पहले अपने दोस्त को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए घर में पैसे कहाँ है इसकी जानकारी दी। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद भी जिस दिन चोरी करनी थी उसे दिन वो अपने पति को रात के खाने के लिए एक रिश्तेदार के घर ले गई और अपने दोस्तों को अपने घर में चोरी करने के लिए बुला लिया। तय किए गए प्लान के मुताबिक चोर यानी दोस्त को घर में क्या क्या रखा है इसकी सारी जानकारी दे दी गई थी। योजना के मुताबिक इन दोनों के बाहर जाते ही वो घर में घुस गया। कुछ समय बाद जैसा कि निश्चय किया गया था उसने सारा सामान लूट लिया। घर लौटने पर पति को चोरी का पता चला, लेकिन जब पति को अपनी पत्नी के कारनामे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो उसने उक्त पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को शुरू से ही शिकायतकर्ता की पत्नी पर शक था। पुलिस ने घटना की बारीकी से जांच की, तब पता चला कि घटना वाले दिन पत्नी अपने पति को बाहर ले गई थी। इसके अलावा उस दिन सीसीटीवी फुटेज में चोर का दोस्त छाता लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस रामटेक तालुका स्थित उनके घर पर पहुंची। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो सोने चांदी के आभूषण वहां से पुलिस को प्राप्त हुए, लेकिन वो नकदी लेकर भाग निकला। पुलिस जांच में पता चला है कि चोरी में घर का ही व्यक्ति शामिल था। इसके मुताबिक जब पुलिस ने आरोपी की पत्नी शिवानी यादव से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने ही अपने दोस्तों की मदद से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल शिवानी यादव को जेल भेज दिया गया है और पुलिस घटना में शामिल आरोपी की तलाश कर रही है। सेशन सदर यहां पर अपराध क्रमांक 372/23 कलम 454 380 414 और 34 IPC के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कि जो फिरियादी है सुमित अशोक यादव और उम्र 33 साल रहना गड्डी गोदाम, यह अपनी मिसेस को लेकर घर में लॉक लगाकर अपने चाचा से मिलने पुलिस स्टेशन गिट्टी खदान यहाँ उनके एरिया में गए थे। 3-4 घंटों बाद वो अपने घर में जब वापस लौटे तब उनको दिखाई दिया कि उनके घर का जो लॉक है वो वहाँ से गायब है और उनके घर में चोरी की गई है। उनके घर में उन्होंने CCTV कैमरे लगवाए थे। हमने CCTV कैमरे खंगाल कर आरोपी की जो मोडस है उसका बारीकी से मुआयना किया और आरोपी जो है वो कोई जान पहचान वाले ही हो सकते हैं ऐसा हमको लगा। मेरी जो DB टीम है PSI धोरट और उनकी पूरा स्टाफ, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके जब हमने काफ़ी गहराई से इंट्रोगेशन किया उस आदमी की मिसेस को यानी कि फिरियादी की मिसेस को, तब उसने कबूली दी कि उसके जो शादी के पहले के दोस्त है वो दोस्त को टिप देकर ही वो चोरी करवाई गई है। इसमें कुल 6,75,000 कैश और बाकी के सोने के जेवरात ऐसा टोटल मिलाकर 13,60,200 रुपये का जो मुद्देमाल है वो चोरी किया गया था। हमारे DB टीम ने 24 घंटों में इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो सोने के जेवरात है वो पूरे के पूरे रिकवर किए हैं। आरोपी को हम ढूंढ रहे हैं, वो जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन जब हमने फिरियादी की जो पत्नी है उसको इंट्रोगेट किया तब उसने कबूल किया कि उसने टिप देकर ही ये चोरी करवाई है। शायद पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन चल रही थी, उसी के चलते उसने अपने दोस्तों को कहलवाकर ये चोरी करवाई है। हमने उस पत्नी को भी अरेस्ट किया है, अभी पत्नी MCR पर जेल में दाखिल है। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।